हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबीएसई 10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जिसे लिखा है जीएस फ्वेंटेस ने। आइए शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड एक गरीब किसान की कहानी है जिसका नाम है लेंचो। लेंचो एक अकेली पहाड़ी पर, लो हिल के टॉप पर एक अकेले मकान में रहता है। लेंचो का मकान इतनी ऊंचाई पर है कि वहां से खेतों को और नदियों को देखा जा सकता है। लेंचो अपने खेतों को निहारते हुए कहता है कि इस बार उसकी फसलें काफ़ी अच्छी हैं और ये और अच्छी हो जाएगी अगर इन्हें बारिश मिल जाए। यानी कि लेंचो की फसलों को वर्षा की आवश्यकता थी और कम से कम हल्की बौछारों की। लेंचो दिन भर आकाश की ओर बादलों को देखता रहता है कि कहीं से बादल आ जाए और वर्षा शुरू हो जाए। शाम के समय लेंचो जब अपने घर बैठा हुआ था, उसकी वाइफ खाना बना रही थी। लेंचो तभी अपने वाइफ को कहता है कि शायद आज हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है, अर्थात वर्षा होने वाली है। लेंचो की वाइफ ने कहा कि अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। लेंचो के जो बड़े बेटे थे वो खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे बेटे थे वो बाहर खेल रहे थे। तभी अचानक, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्शन किया था बारिश के बारे में, वर्षा होनी शुरू हो गई। लेंचो अपने घर से बाहर आया किसी और कारणवश नहीं, बल्कि उन वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए जो शुरू हो गई थी। लेंचो बारिश की जो बूंदें होती हैं उनकी तुलना, बड़ी बूंदों की तुलना 10 सेंट के सिक्कों से करता है और छोटी बूंदों की तुलना 5 सेंट के सिक्कों से करता है। लेंचो कहता है ये केवल वर्षा की बूंदें नहीं, बल्कि ये हमारे लिए सिल्वर कॉइन्स है। सिल्वर कॉइन्स क्यों हैं? क्योंकि उसकी फसलों के लिए पानी बहुत जरूरी है और पानी उसकी फसलों को जब मिलेगा, अच्छी फसलें होंगी और उसके पास काफ़ी पैसा आएगा, इसलिए वो उनको सिल्वर कॉइन्स कहता है। लेंचो के बच्चे भी बारिश का आनंद ले रहे थे। फिर लेंचो अपने खेतों के बीच जाकर वर्षा का आनंद लेता है, लेकिन उसकी ये आशा जल्दी ही निराशा में बदल जाती है क्योंकि बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब लेंचो कहता है कि अब काफ़ी हो चुका, अब वर्षा रुकनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आंधियों के साथ ओले पड़ने शुरू हो गए और इस हेल स्टॉर्म ने लेंचो की फसलों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। लेंचो के खेतों में एक साल्ट की चादर सी फैल गई थी। अब लेंचो काफ़ी दुखी था, सब कुछ समाप्त हो चुका था। जब लेंचो घर आया, उस घाटी में, उस अकेले मकान में, सभी आदमियों में से केवल एक ही आदमी के अंदर अभी भी कुछ आशा बची हुई थी और वो आदमी था लेंचो। लेंचो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। अब लेंचो की एकमात्र आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड। उस रात लेंचो नहीं सो सका और वो बस यही सोचता रहा कि भगवान से सहायता, क्योंकि लेंचो ये जानता था कि भगवान कभी किसी को भूखा नहीं मरने देते। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठा और उसने भगवान को एक पत्र लिखा जिसमें उसने लिखा कि भगवान, इस बार हेल स्टॉर्म ने मेरी सारी फसलें नष्ट कर दी है,
खाने को अनाज नहीं है, फसलें बोने के लिए घर में पैसे नहीं है, और जब तक फसल उगकर तैयार हो तब तक जीवन निर्वाह करने के लिए घर में कुछ नहीं है। इसलिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है और आप मुझे 100 पैसों दे दीजिए। उसने भगवान को वो पत्र लिखा और उसको लिखकर वो सुबह सुबह पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। उसने पोस्ट ऑफिस में स्टैंप ली और उसको उस लेटर में लगाया और उसको पोस्ट कर दिया। जब लेंचो लेटर पोस्ट करने के बाद घर आया, उधर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने जब उस लेटर को निकाला, उन्होंने पढ़ा, तो वो भगवान के नाम एक पत्र देखकर हंस पड़े। उन्होंने वही पत्र जो पोस्ट मास्टर था, जो कि एक मोटा आदमी था और काफ़ी फ्रैंक था, उसको दिखाया। उसको देखकर पोस्ट मास्टर भी काफ़ी हंसा, लेकिन वो जल्दी ही सीरियस हो गया और उसने कहा कि काश मेरा भी भगवान में इतना ही विश्वास होता जितना कि लेंचो का था। वह लेंचो का विश्वास भगवान से नहीं डगमगाने देना चाहता था। He did not want to shake Lencho's faith in God. इसीलिए उसने ये सोचा कि मैं इस पत्र का जवाब अवश्य दूंगा। लेकिन जब उसने उस पत्र को पढ़ा तो उसने पाया कि इस पत्र के जवाब को न केवल कागज और पेन की आवश्यकता है बल्कि किसी और चीज की भी आवश्यकता है, और वो थी 100 पैसों। लेकिन पोस्ट मास्टर लेंचो की हेल्प करना चाहता था। उसने अपने सभी एम्प्लॉयज को इकट्ठा किया और उनसे लेंचो की हेल्प करने के लिए कहा। उसने अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी एक पार्ट दिया और सभी ऑफिशियल से पैसे इकट्ठा किए, लेकिन फाइनली वो केवल 70 पैसों इकट्ठा करने में सक्षम हुआ। उसने वो पैसे एक एनवेलप में रखे और उसमें एक पत्र उसने लेंचो को लिखा, जिसमें उसने भगवान के सिग्नेचर कर दिए और उसने उसको डाकखाने में रख दिया। अगले दिन सुबह जल्दी लेंचो अपना पत्र लेने के लिए पोस्ट ऑफिस आया। जैसे ही उन लोगों ने लेंचो को वो पत्र हैंडओवर किया, यानी कि पोस्ट मास्टर ने ये पत्र खुद लेंचो को हैंडओवर किया, लेंचो को ये पत्र देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ बल्कि लेंचो को गुस्सा आया। कब? जब उसने वो पैसे काउंट किए। जब उसने काउंट किए और वो पैसे 70 पैसों निकले, तो लेंचो ने कहा कि भगवान, मैंने आपसे कोई बहुत बड़ी रकम नहीं मांगी थी और नहीं मैंने इतने पैसे आपसे मांगे कि आप मुझे न दे सको, और आप कभी गलती नहीं कर सकते। आपने मुझे 100 पैसों दिए होंगे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, इन्होंने वो पैसे बेईमानी से निकाल लिए। अब लेंचो काफ़ी गुस्से में था। लेंचो जो पब्लिक टेबल थी पोस्ट ऑफिस के अंदर, वहाँ पर गया, वहाँ पर बैठा, उसने दूसरा लेटर लिया और उसने फिर वहाँ पर लिखना शुरू किया। उसने भगवान को दूसरा पत्र लिखा। उसने भगवान को लिखा कि भगवान, मैंने आपसे 100 पैसों मांगे थे और मुझे रेस्ट ऑफ मनी भी चाहिए, और मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे रेस्ट ऑफ मनी ज़रूर भेजना, लेकिन इस बार वो पैसे आप मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजना, बल्कि वो पैसे आप मुझे किसी और वे में भेजना, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि ठगों का समूह है। उसने ये लिखा और उस पत्र को एनवेलप में डाला और वहाँ से जो उसने स्टैंप ली उसको उसने अपने थूक से इसको वहाँ पर पेस्ट कर दिया और उसको डाकखाने में डाल दिया। लेंचो के जाने के बाद पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने वो निकाला
और उस पत्र को पढ़ा, किलेंचो ने ऐसा ऐसा लिखा है, तो इससे हमें बस यही पता चलता है कि लेंचो का भगवान में तो काफी दृढ़ विश्वास था, लेकिन उसका ह्यूमैनिटी में विश्वास नहीं था। इससे हम ये भी नहीं कहेंगे कि लेंचो एक पागल व्यक्ति था, लेंचो अच्छा व्यक्ति नहीं था, बल्कि ये लेंचो का इनोसेंस था कि वो काफी मासूम था और वो एक व्यक्ति के रूप में एक बैल था, क्योंकि वो काफी हार्डवर्क करता रहता था, सारा दिन खेतों में काम करता था। उधर हम ये भी नहीं कहेंगे कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे वो बंच ऑफ क्रूक्स थे, क्योंकि उनके अंदर एक काइंडनेस थी, एक वे काफ़ी जेनरस थे, हेल्पफुल पर्सन थे, जहाँ तक हो सके उन्होंने लेंचो की सहायता की थी। यही थी अ लेटर टू गॉड की समरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं।